मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहुआ गांव में पटना स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने नकली सिगरेट फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान भारी मात्रा में सिगरेट बनाने के सामान भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री आरजेडी नेता निरंजन राय की है। वहीं निरंजन राय ने कहा कि वे 2017 में ही यह फैक्ट्री अपने भाई को बेच चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और हर एक बिंदुओं पर जांच कर रही है। कंपनी से आया हुआ है और कहना है कि मेरे सिगरेट कंपनी के नाम पर यहाँ सिगरेट बनता है, उसी के लेकर छपमारी की गई है। छपमारी में जो न्यूज पेपर मिला है उस पर जांच किया जा रहा है। जांच के बाद ही किनका सर फैक्ट्री कुछ पहचान हुई है? नहीं, करोड़ों का माल बताया जा रहा है द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन खबर है सवाल के सामने। आगे ये कार्रवाई बस इनके आवेदन क्या था। ये हमारी क्लाइंट्स कंपनी है आईटीसी नेपाल, जिनका ब्रांड आता है सूर्या सिगरेट है और शिखर सिगरेट है। तो वहाँ से नेपाल से हमारी जो क्लाइंट्स हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि मुजफ्फरपुर में मुसहरी थाना एरिया में निरंजन राय जो इनकी फैक्ट्री है यहाँ पर है, यहाँ से नकली प्रोडक्ट बनाकर जो सूर्या के ब्रांड के नाम से और शिखर के ब्रांड से नाम पूरे नेपाल में सप्लाई किया जा रहा था। तो लगातार हम लोग के पास कंपनी से हेड ऑफिस से इन्फॉर्मेशन आया, उसके बाद हम लोग की टीम आकर जो है यहाँ पर भौतिक सत्यापन करी। सत्यापन के बाद फिर हमारी टीम जो है यहाँ पर फिर आकर यहाँ पर मुजफ्फरपुर में है सीनियर एसपी से और सिटी एसपी से कॉन्टैक्ट करने के बाद फिर उनके निर्देश पर छापेमारी यहाँ पर किया गया इस फैक्ट्री में। तो ये फैक्ट्री निरंजन राय की थी और इसका यहाँ पर करोड़ों का जो है मशीनरी और करोड़ों का मतलब फिनिश अनफिनिश सिगरेट यहाँ पर बरामद किया गया, देसी और विदेशी ब्रांड। मालिक पकड़ा है जो फैक्ट्री मालिक? नहीं, फैक्ट्री मालिक अभी फरार है।